हेलो एंड वेलकम टू अर्चना एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में यूपी टेट पेपर 2 के साइंस क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं जो 2018 में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स। रेन ड्रॉपलेट्स की स्फेरिकल शेप को एक्सप्लेन करने के लिए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। फर्स्ट इज़ सरफेस टेंशन, सेकेंड इज़ क्रिटिकल फिनोमिना, सी इज़ विस्कोसिटी एंड फोर्थ इज़ प्रेशर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज़ ए। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर ए है। तो जो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है वो यूज़ होती है वाटर की स्फेरिकल शेप एक्सप्लेन करने के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ नाइट्रोजन, सेकेंड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज़ आर्गन एंड फोर्थ इज़ ऑक्सीजन। तो जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ लिक्विड। इनमें से कौन सा नॉन मेटल लिक्विड होता है। सिर्फ एक ही नॉन मेटल लिक्विड होता है एंड वो है ब्रोमीन। तो हमारा आंसर है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड इन। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। रेडियम की डिस्कवरी किसने की थी, किस साइंटिस्ट ने की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइजक न्यूटन और मैरी क्यूरी। तो हमारा जो आंसर है इसका वो है मैरी क्यूरी। जो मैरी क्यूरी साइंटिस्ट थी उन्होंने रेडियो एक्टिविटी भी डिस्कवर की थी और उन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ भी मिला है। नेक्स्ट, द गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। जैसे बनाना को, बनाना ग्रीन फॉर्म में होते हैं, उन्हें राइप करने के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है। इथेन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन या नाइट्रोजन। तो हमारा जो आंसर है वो है एसिटिलीन। इसको इथाइलीन भी कहते हैं, इसको इथाइलीन भी कहते हैं एसिटिलीन को। तो अगर एसिटिलीन के लिए जगह इथाइलीन है तो वो सेम गैस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर। नाइट्रोजन गैस की एयर में क्या परसेंटेज है, नाइट्रोजन गैस की एयर में क्या परसेंटेज है, नाइट्रोजन गैस या N2 गैस। तो फर्स्ट ऑप्शन है 78, सेकेंड इज़ 21.5, सी इज़ 40 एंड डी इज़ 3। तो हमारा जो आंसर है वो है 78%। तो जो नाइट्रोजन है वो एयर में 78% प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ओजोन। ओजोन क्या है, ओजोन या फिर O3 भी बोल सकते हैं, ओजोन या O3 क्या है। तो ओजोन इज़ एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। एलोट्रोप है ऑक्सीजन का, ओजोन, एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन इज़ ओजोन। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो जो साउंड होता है उसे मीडिया चाहिए होता है या मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी मीडिया की उतने अच्छे से साउंड ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की वो होगी किस मीडियम में, स्टील में। तो जो साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन, स्पीड मैक्सिमम होगी स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मूविंग प्लेन मिरर इंसिडेंट रे फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा अगर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा। तो एंगल आई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, मीन्स एंगल आर के बराबर होते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है 60 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से क्या हम रीन्यू कर सकते हैं, कौन सा रीन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। तो हमारा जो आंसर है वो है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को हम रीन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की थी। रॉयंटगन, मैक्सवेल, रदरफोर्ड और टॉरिसेली। तो जो हमारा आंसर है वो है रॉयंटगन। रॉयंटगन ने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल, इज़ नॉट अ नेचुरल फाइबर। इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है। सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर क्योंकि हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, कॉटन, कॉटन के प्लांट से मिलता है, जूट भी प्लांट से मिलते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो एक्राइलिक है, जो एक नेचुरल फाइबर नहीं है। जिंजर किसकी मॉडिफिकेशन है। जिंजर मीन्स अदरक। तो जिंजर इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिंजर की मॉडिफिकेशन है। ट्रू फ्रूट जो होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं। तो जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो हमेशा ओवरी से डेवलप होते हैं। तो इसका आंसर है ओवरी। और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो थैलेमस से डेवलप होते हैं, जैसे कि एप्पल, एप्पल एक फॉल्स।
रूट है। द एलिमेंट एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट इज, कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लांट्स में? तो हमारा आंसर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।